प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एक ऐसी योजना है जिसके बारे में आप सबने सुना होगा या इसके अंतर्गत बनाए गए सुंदर घरों को देखा होगा। संभावना ये भी है कि आप इसके लाभार्थी हों। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने अपनी छठी वर्षगांठ मनाई। इसमें अब तक 1 करोड़ से भी ज्यादा लाभार्थी के लिए आवास स्वीकृत हुए हैं। योजना के इसी शानदार सफर पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री अमृत अभिजात, जिन्होंने मिशन निदेशक के रूप में इस योजना को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आइए उनसे रूबरू होते हैं। नमस्कार, मैं सुभाषिश दास, निदेशक मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स। आप लोगों का स्वागत करता हूं इस पॉडकास्ट में, PMAY अर्बन पॉडकास्ट। इसमें आज हमारे साथ रहेंगे विशेष अतिथि श्री अमृत अभिजात जी। अमृत अभिजात जी मिशन डायरेक्टर और संयुक्त सचिव है इस मिशन के। सो आज उनके साथ हम मिशन के बारे में, विभिन्न पहलुओं के बारे में डिस्कशन करेंगे। नमस्कार सर। सर, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का जो इंसेप्शन हुआ उसके बारे में सर कुछ बताइए। धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत एक प्रकार से यूँ कहा जाए कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये रेड फोर्ट पे उनके द्वारा इसका एक विजन को आउटले किया गया, जिसमें कि उन्होंने इस बात को बहुत मजबूती से वहाँ पर रखी कि वर्ष 2022 में जब हम 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे आज़ादी का, तब देश में ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जिसके ऊपर छत ना हो। और इसमें प्रधानमंत्री आवास शहरी और एवं प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण दोनों को साथ साथ लॉन्च किया गया और यही इसकी नींव रखी गई। उसके बाद इसकी तमाम व्यवस्थाएँ बनाई गई, जिसके अंतर्गत कि फिर इसको जून 2015 में 25 जून को बकायदे लॉन्च किया गया। फिर अगले 6 महीने हम लोगों ने इसकी देश भर में तैयारी की, जिसमें सभी राज्यों को एक पटल पर लाने के लिए सभी से MOUs हुए, सबकी समझौते तय हुए और उनकी वित्तीय प्रशासनिक व्यवस्था तय की गई। इसमें समय लगा और उसके बाद से ये धारा प्रवाह जो है देश में के अनेक अनेक कोनों में चल रहा है। सर, ये पिछले आवासीय योजनाएँ जो थी उससे किस तरह से ये अलग है? प्रधानमंत्री आवास योजना के जो जो घटक अंग हैं, जो इम्पोर्टेंट पहलू है, वो मुख्य रूप से पूर्व के जो स्कीम्स जो थे, जो संचालित हो रहे थे, उसके अनुभव के आधार पे काफ़ी कुछ रखा गया है और अच्छे बुरे अनुभव दोनों रहे हैं। एक तो वो, दूसरा ये कि इसमें एक बहुत बड़ा वैचारिक आंदोलन या क्रांतिकारी सोच के अंतर्गत ये स्कीम लॉन्च किया गया। देखिए, जो पहले के जो स्कीम्स थे वो निश्चित तौर पे एक तरीके का ही घर देते थे, जिसमें कि स्लम्स में वो रीडेवलपमेंट करते थे मुख्य रूप से। इसके अलावा सब्सिडी का एक छोटा सा स्कीम चल रहा था। इसमें पहली बार सरकार ने ये बात रखी कि सिर्फ एक प्रकार का घर नहीं होगा, घर के कई प्रकार होंगे और वो डिसाइड करेगा व्यक्ति जो ले रहा है कि वो किस प्रकार का घर बनाना चाहता है, कैसे लेना चाहता है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण एक वैचारिक सोच का परिवर्तन ये था कि कुछ के लिए या कुछ प्रांतों के लिए, कुछ वर्गों के लिए ना करके ये हाउसिंग फॉर ऑल होगा, सबके लिए आवास की बात हुई थी, जिसमें कि व्यक्ति जिसको घर चाहिए वो स्वयं अपनी मांग रख सकता है। अगर उसकी आमदनी 3 लाख रुपए उनके आवास की, जो घर की जो आमदनी कुल है, हाउस होल्ड कहते हैं जिसको, कि आमदनी अगर 3 लाख से कम हो और अगर कहीं पे भी पक्का मकान देश के किसी भी कोने में ना हो तो वो अहर माने जाएंगे। ये दो ही शर्तें रखी गई थी जिसके बाद की ये चीज़ लिया गया। तो एक्सपीरियंस हमें ये बताता है कि इसके वजह से बहुत ही व्यापक इसका फैलाव हो गया योजना का और हम अनेक अनेक वर्गों में, अनेक अनेक व्यवसायों में, अनेक अनेक प्रांतों में जाके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से, महत्वपूर्ण तरीके से आवास उपलब्ध करा के उनके जीवन के एक बहुत बड़े मकसद को पूरा करें। इसको हम ऐसे जन आंदोलन भी कह सकते हैं? निश्चित रूप से जन आंदोलन ये कहा जाएगा। जन आंदोलन इसलिए क्योंकि इसमें लोग जो है, जिन लोगों को, जो लाभार्थी है, वो पूरे प्रकरण के मुख्य धारा में बहुत ही मजबूती से अपनी बात को रख पाया। क्योंकि न सिर्फ चयन के समय में, योजना जब उसको घर मिल गया
और जब केंद्र के द्वारा, राज्य के द्वारा या अर्बन लोकल बॉडी जो स्थानीय निकाय है उनके द्वारा जब धनराशि दे दी गई, सारे बनाने की जो जिम्मेदारी बट बेनिफिशियरी कंस्ट्रक्शन की जो खास तौर से है, जो अलग अपने ज़मीन पे आवास बना रहा है, वो उसके प्लानिंग से लेके लास्ट स्टेज तक इन्वॉल्व रहा। और इसलिए इसको जन आंदोलन कहा जाएगा क्योंकि वो हर स्तर पे अपने लेवल पे वो मॉनिटर कर रहा है। तो एक डेवलपमेंट के ऐसे प्रोजेक्ट को जिसमें कि उसकी कैपेसिटी भी टेस्ट हो रही है और वो अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से भागीदारी निभा पा रहा है, मैं कहूँगा एक निश्चित रूप से एक आंदोलन है। सर ये जो डिमांड कहते हैं सर, 1.12 करोड़ का जो डिमांड कहा जाता है, इस लक्ष्य तक कैसे पहुंची मंत्रालय? देखिए पहले क्या होता था कि पहले सरकार बोल देती थी कि हम 5 लाख घर बनाएंगे, हम 10 लाख घर बनाएंगे, और पीछे से फिर गाड़ी चलती थी कि किसको कितना मिलेगा, आबादी के इस पे, जाति के इस पे, प्रांत के इस पे, बैकवर्ड पे, फॉरवर्ड पे, तमाम तरीके उसमें पेश थे। पहली बार भारत सरकार ने कहा कि नहीं, हाउसिंग फॉर ऑल होगा, बहुत ही व्यापक, होलिस्टिक और कोई कंफ्यूजन के बगैर स्कीम शुरू किया गया। एक ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि जब बात आए कि डिमांड कैसे आएगा, तो ये नहीं हुआ कि हम बांट के देंगे इस तरह से, हमने कहा कि सबको घर मिलेगा जिसके पास ये शर्तें फुलफिल करता हो। तो ये दोनों जो शर्तें थी, 3 लाख की आमदनी की और कहीं पक्का घर नहीं हो, उसके लिए डिमांड सर्वे किया गया। डिमांड सर्वे का मतलब ये कि जिस व्यक्ति को घर चाहिए वो डिमांड करेगा, स्थानीय निकाय के लोग, राज्य सरकार जो इसकी जांच करेंगे कि जो बात कह रहा है वो सही करेगा। वो भी उस पर हमने शर्तियां रखी थी कि सिर्फ वो काउंटर एफिडेविट देगा अपना लगा के, सर्टिफाइड एफिडेविट कि उसने उसको घर के लिए वो आहर है, जिसकी जांच अगर चाहे तो वहां की संस्था करा सकती है, अदरवाइज वो पर्याप्त माना जाएगा। तो इस प्रकार से डिमांड जो बने हमारे वो 112 बने, और ये भी निरंतर चेंज होता रहा है, कभी 1 करोड़ भी था, फिर 1 करोड़ 2 लाख हुआ, फिर 1 करोड़ 12 लाख हुआ। इसका कारण ये है कि जो आज 18 साल का है या 17 साल का है वो कल डिमांड नया बनेगा। परिवार में विभाजन होंगे, परिवार बड़ा होता है तो फिर वो अलग परिवार माना जाता है, या आज वो गांव में रह रहा है, 1 साल बाद 6 महीने बाद एक ए शहर से बी शहर पहुंच रहा है गांव से, तो इस प्रकार से वो बहुत डायनेमिक रहा है। और यही इस स्कीम की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि कोई भी बात हमने ऐसा करके नहीं रख दिया जैसे कि कास्ट इन स्टोन जिसको कहते हैं, वो एक बार लेके चल दिए। स्कीम में कई चेंजेस हम लोगों ने किए और वो चेंज इस बात को भली भांति दर्शाता है कि एक डायनेमिक स्ट्रक्चर था स्कीम का, और इसमें हम लोगों के अनुभवों को, राज्यों के अन्वेषण को, राज्यों ने बहुत अच्छे अच्छे कदम उठाए, उनसे सीख के आपस में एक बहुत ही डायनेमिक कल्चर डेवलप करके जिसमें वाइब्रेंसी बहुत रही, राज्यों से सीखा हम लोगों ने, हम लोगों ने राज्यों से बात करी, इस प्रकार से चेंजेस करते रहे तो उसकी उपलब्धि साफ दिख रही है। सर इसमें 113 लाख सेंक्शन हाउसेस बेनिफिशियरी, आपके 4000 से ऊपर शहर है, स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, तो इतने सारे मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, इस इम्प्लीमेंटेशन में आप अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए आप क्या करते हैं सर? बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। देखिए 113 लाख घर दिया गया जिसमें कि लगभग 51 लाख घर बन गए, 85 लाख बन रहे हैं। अगर देखा जाए कि एक परिवार का साइज 5 लोगों का है, तो आप ये मान लीजिए कि ओवरऑल इस स्कीम में 5 करोड़ लोग अभी इसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा पूरी सरकार के तंत्र इन्वॉल्व है, उसके बाद पूरी व्यवस्था इन्वॉल्व है, तो एक बहुत ही व्यापक तरीके से इसको चलाने की व्यवस्था बनाई गई। इसमें हमने आईटी का यूज किया जिसके माध्यम से कि फोटोग्राफ, जियो टैगिंग का ये आया, ताकि ये कल्पो को आरोप न लगाया कि घर बना ही नहीं, हर घर को एक बार नहीं 5 बार उसके फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं, और वो आदमी को जाके नहीं लेता है कि गलत हो गया सही हो गया, किसी एक घर को 2 बार दिखा देगा, ये अंतरिक्ष से इसरो के सैटेलाइट के माध्यम से लिए जाते हैं, 5 भिन्न भिन्न स्टेजेस पे, ग्राउंडिंग पे लेवल इस तरह से बनते हैं, फिर उसके हम एक्चुअल फोटोग्राफी भी कराते हैं सर्वेयर के माध्यम से कि घर जो अंदर दिखाया गया उसके आंतरिक स्वरूप क्या है, कमरों का क्या साइज है, क्या वो NBC गाइडलाइंस को मीट आउट करता है। तो इस प्रकार से एक पारदर्शी ये बनाया गया। इसके लिए हमने CLTC SLTC की व्यवस्था भारत सरकार ने की PMU के माध्यम से, जिसमें स्पेशलिस्ट जो कि प्लानिंग से लेके IT के लोग, वित्त प्रबंधन के लोग, मास मोबिलाइजेशन के लोग, सब लोग जुड़े रहे। इसके अलावा अर्बन लोकल बॉडी को बहुत बहुत तरीके से ट्रेनिंग दिया गया,
बैंकिंग सेक्टर को पूरी तरह से ये जोड़ा गया क्रेडिट लिंक सब्सिडी एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्य घटक अंगों के लोनिंग के सिलसिले में। तो एक बहुत बड़ी वृहद व्यवस्था के अंतर्गत में एक कार्यक्रम ये चलाया गया है निसंदेह, और इसको कहते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं समझता हूँ कि विश्व के सबसे बड़े हाउसिंग प्रोग्राम के रूप में इसको देखा जा सकता है, और इतनी बड़ी उपलब्धि इंडिपेंडेंट इंडिया में हम लोग ये कर पाए हैं, ये आगे चल के इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे और ये हमारे लिए बहुत बहुत फख्र की बात है।